नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बजट को लेकर और बिहार में शिक्षा को लेकर क्या कुछ हुआ इस सब पर खुलकर बोला है। क्या कुछ कह रहे विजय चौधरी, आप सुनिए। अध्यक्ष महोदय, कल के बजट उपबंधों से ही सरकार की गंभीरता इस विषय में परिलक्षित होती है कि सदन ने देखा है कि पूरे बजट का और पूरे योजना का 21.94% जो सब में अधिक है, वर्तमान सरकार ने शिक्षा पर व्यय करने की योजना बनाई है। जहां तक प्रश्नगत बिंदु का सवाल है, चूंकि ये प्रश्न जो सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है, इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं पूरे सदन को सारी चीजों से अवगत कराना भी चाहता हूँ। महोदय, यह बात सही है कि नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का स्कोर 35.24 है, जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया। शिक्षा मंत्रालय बना रहे हैं राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या मिला, सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए सरकार के तरफ से निम्नांकित कदम उठाए गए। राज्य के 8386 पंचायतों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सुलभ कराने हेतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 30,020 रिक्त पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो स्थगन का आदेश दिया गया है, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, हम लोग उसमें आईए फाइल करके हम लोगों न्यायालय की अनुमति मांग रहे हैं कि हमको नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की न्यायालय इजाजत दे। विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों की कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 4,050 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 2400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उपस्कर हेतु 5,00,000 रुपए प्रति विद्यालय की दर से राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 2,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 4,000 माध्यमिक विद्यालय को क्रमशः 5,00,000 रुपए एवं 3,00,000 रुपए प्रति विद्यालय की दर से प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को उन्नयन बिहार योजना से आच्छादित करते हुए उन्नयन ऐप से स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत वर्षों में कई प्रकार के आधुनिक तकनीक यथा बार कोडेड एवं प्री प्रिंटेड उत्तर पुस्तिका तथा ओएमआर शीट उपलब्ध कराना, मल्टीपल कंप्यूटराइज प्रपत्रों की स्कैनिंग कराकर डेटा तैयार कराना, सभी विषयों के प्रश्नों का 10 सेट तैयार कराना, प्रत्येक जिले के मॉडल परीक्षा केंद्रों की स्थापना आदि महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार किया गया है। परिणाम स्वरूप राज्य के मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में वर्ष
2019 की अपेक्षा वर्ष 2020 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है तथा तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। राज्य में राज्य नीति के अनुरूप 18 डिग्री महाविद्यालय रहित अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय वैसे प्रखंडों में जहां उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय नहीं है, ऐसे चिन्हित 240 प्रखंडों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कुल 213 शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। राज्य में गत शैक्षणिक सत्र 2020-22 में 70 महाविद्यालयों की संबद्धता सरकार के स्तर पर संसूचित की गई है। विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा का लाभ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई विश्वविद्यालयों संस्थानों की स्थापना की गई है। इस क्रम में राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों यथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर की स्थापना की गई है। राज्य में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात बढ़ाने हेतु 7 निजी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडी, संजय जी, सेंटर फॉर रिवर स्टडी, अरे वाला अपना वाला सिस्टम दीजिए हमको, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई। इसीलिए तो हमने कहा था कि प्रश्न जो जिस तरह का होगा उसी हिसाब से तो उत्तर सुनने का धैर्य भी रखना होगा। आप ये समीर जी को सुझाव देते जो बजट में जब सारी बात कह दी गई तो और प्रश्न है महोदय, इसलिए मैं अब संक्षेप करता हूँ। राज्य में स्थापित परंपरागत विश्वविद्यालय अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय और 107 महाविद्यालय को नैक एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में सृजित पद के विरुद्ध विभिन्न विषयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा रिक्त 4638 सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि जब सरकार इतने सारे स्टेप्स कदम ले रही है तो माननीय सदस्य और तो आपने सुना, विजय चौधरी हैं, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, प्रश्नकाल चल रहा है और ऐसे में विपक्ष ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे रहे हैं। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।